Myself Devendra Parmar from St. Thomas School, Surat, Standard 10, Subject Gujarati, Second Language, Grammar, Sandhi ane Samas. मित्रों सबसे पहले संधि. संधि में जारे बे शब्द पासे आवे, जब दो शब्द पास आते हैं, बराबर देखो और समझो. जारे बे शब्द पासे आवे, बे शब्द यानी टू वर्ड्स. यहाँ पर शिवालय है, बट शिवालय दो शब्दों से एक शब्द बना है, तो शिव प्लस आलय. तो समझ में आया कि जब दो शब्द पास आते हैं, त्यारे पहला शब्द ना अक्षर अने बीजा शब्द ना प्रथम अक्षर मा उच्चारण बाबते परिवर्तन आवे छे. मतलब जब दो शब्द पास में आते हैं, तब उसका जो पहला शब्द है उसका लास्ट लेटर और जो दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द यानी उसका नेक्स्ट शब्द जो होता है, उसका जो प्रथम लेटर है, मतलब फर्स्ट लेटर है, प्रथम अक्षर है, उसके उच्चारण के बाबत में परिवर्तन आता है, मतलब उसमें चेंजेस आता है. यहाँ पर दिया है शिवालय, पहले डायरेक्ट हम क्या बोलते हैं, शिवालय. बट अभी क्या हो गया कि जब हम उसको संधि डिसॉल्व करते हैं, संधि जब डिसॉल्व करते हैं, तो शिव में जो यहाँ पर शिवालय है, तो शिवालय, तो शिवा का शिव हो गया और लय के आगे जो अ की मात्रा है, तो उसमें आ, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, यानी आलय. बराबर समझ में आया कि जरे जब दो शब्द साथ में पास रहते हैं और तब उसके शब्द का जो लेटर होता है ना, वो लेटर बदल जाता है. कौन सा? पहले शब्द का लास्ट लेटर और दूसरे शब्द का फर्स्ट लेटर, और उसका जो उच्चारण है वो बदल जाता है. तो यहाँ ऐसे ही है. दूसरा देखो, पित प्लस अंबर. अभी उसका आंसर हम देखेंगे तो क्या होगा, पीतांबर. तो यहाँ पर भी ऐसे है कि एक दो शब्द अगर इकट्ठा होते, दो शब्द पास में होते हैं, तो पीतांबर होता है. यहाँ दो शब्द अलग अलग है, तो पित प्लस अंबर. बट अभी मैंने इसको तो डिसॉल्व करके बताया, अभी इसको मैं जब ज्वाइन करता हूं, दो शब्द पास आ जाएंगे, यानी कि पीत प्लस अंबर. अभी पीत प्लस अंबर मैंने प्लस निकाल दिया, और जब पीत प्लस अंबर को मैं एक शब्द के अंदर बोलूंगा, दोनों को साथ में मतलब ज्वाइंट करके, तो इसका आंसर आएगा पीतांबर. यानी पीत में तो त है, प्लस अ, त में अ, मतलब त प्लस अ इज इक्वल टू ता, और उसका जो अनुस्वार है वो तो रहेगा, और बर यानी पित प्लस अंबर यानी पीतांबर. जैसे हमने शिव प्लस आलय, तो व था, व के साथ में आ की मात्रा थी, कहाना, जिसको कहाना बोलते हैं, तो व के अंदर अ प्लस अ इज इक्वल टू आ. यहाँ पर व प्लस अ है और उसकी कहाना की जो मात्रा भी है, तो अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, व में आ अ का, व प्लस अ यानी वो, और उसका जो कहना है वो आ, तो यहाँ पर ऐसा मिलके हो गया आ, तो शिव प्लस आलय. वैसे ही इधर हो गया पित प्लस अंबर यानी पीतांबर. तो मित्रों अगर सही में देखे तो यहाँ क्या दिया है कि जहरे बे शब्द पासे आवे, त्यारे पहला शब्द ना छेल्ला अक्षर अने बीजा अक्षर ना प्रथम अक्षर मा उच्चारण बाबते परिवर्तन आवे, ए संधि. क्लियर? जारे बे शब्द पासे आवे, त्यारे पहला शब्द ना छेल्ला अक्षर अने बीजा शब्द ना प्रथम अक्षर मा उच्चारण यानी प्रोनाउंसिस के बारे में जो चेंजेस आता है, हम उसे क्या कहते हैं, संधि. क्या कहेंगे? संधि. बराबर ध्यान में रखो, इसको हम संधि कहते हैं. तो जहरे बे शब्द मतलब जब दो शब्द पास में आते हैं और एक शब्द है जो फर्स्ट वाला शब्द है उसका लास्ट लेटर, देन बीजा शब्द यानी जो सेकेंड वर्ड है उसका जो प्रथम यानी कि फर्स्ट लेटर है, उसके जो प्रोनाउंस उसके अंदर चेंजेस आएगा, परिवर्तन यानी चेंजेस आएगा, तो हम उसे कहेंगे संधि.
क्लियर। तो मित्रों संधि ए बोलवानो विषय छे, मतलब जो संधि है ना वो बोलने का सब्जेक्ट है। जैसे हम एवरी मोमेंट में कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो इसे बोल के इसलिए बोला गया है संधि ए बोलवानो विषय छे। संधि माटे केटला वाक्यो छे अने तेमाथी क्यो शब्द संधि तरीके लेवाय ते जोईशुं। मतलब ऐसे बहुत सारे वाक्य है, वाक्य में से हमें कौन सा शब्द संधि तरीके से लेना है और साथ में के वाक्य माथी शब्द शोधी संधि छुट्टी पाड़ी। तो जो जो सेंटेंसेस है सेंटेंस में से हम वर्ड निकालेंगे और वो वर्ड का जो संधि यानी डिसॉल्व क्या होता है, संधि छुट्टी पाड़वी यानी संधि ने उसको डिसॉल्व करना। तो पहला हमें यहाँ पर वाक्य लिया है पीला पीताम्बर जरकसी जामा पीरो ते पटको बीराजे से। ये कृष्ण भगवान के लिए है, हमारी फर्स्ट पोयम से लिया गया है कि इसमें दर्शाया है कि पीला पीताम्बर जर कसी जामा पीरो ते पटको बीराजे से। तो इसमें से कौन सा वर्ड आएगा, इसमें आएगा पीताम्बर। तो इसमें से कौन सा शब्द आएगा पीताम्बर, यानी उसका जो अगर संधि डिसॉल्व संधि छुट्टी पाड़ी सु तो उसका मतलब क्या होगा पीत प्लस अंबर। समझ में आया, तो पीताम्बर का होगा पीतु प्लस अंबर। तो ये एग्जैक्टली हमने यहाँ पर उसकी संधि डिसॉल्व की है। दूसरा सेंटेंस यहाँ पर है प्राकृत जनों ने आ शरणाईनी सुरावली समझाई के ना समझाई पर मंत्र मुग्ध बनीने डोली उठे। अभी इसके अंदर कौन सा वर्ड आएगा, तो इसमें वर्ड आएगा सुरावली और इसका जो हम संधि डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा सूर प्लस आवली। सूर और सुरावली, सूर और आवली, तो सुरावली में दो शब्द थे सूर के साथ आवली यानी सू प्लस आवली। ओके मित्रों, हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है वड़ी पाछी पतिना प्रेमो प्रचारे रिजी जती। ये जो सेंटेंस है इसमें से कौन सा वर्ड आएगा, इसमें से आएगा प्रेमो प्रचार। इसका हम संधि डिसॉल्व करेंगे तो उसमें क्या आएगा प्रेम प्लस उपचार। देखो मित्रों यहाँ पर प्रेम और बाद में उपचार दिया गया है तो अ प्लस ओ इज इक्वल टू ऊ होता है। आप समझो कि अ प्लस ओ कैसे हुआ, तो प्रेम म जो है वो उसमें म के साथ अ जॉइंट है, मतलब म प्लस अ यानी म। क्लियर, तो यहाँ पर है बाद में लिखा गया है मो, म का मो हो गया तो यहाँ पर ओ, तो नियम के अनुसार अ प्लस ओ इज इक्वल टू उ यानी प्रेम प्लस उपचार। क्लियर, मित्रों आगे का हमारा सेंटेंस है साव सूक्ष्म वातावरण में पण सासरीय सांडती पति मिलनोत्सुक परणितानु कल्पना चित्र श्रोताओनी आंख सामे टरी रह्यो। तो इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो हम उसका संधि डिसॉल्व कर सकते हैं, तो ये शब्द है पति मिलनोत्सुक। मित्रों इसमें ज्यादा अच्छा ध्यान देना क्योंकि इसको कैसे डिसॉल्व करते हैं, वो काफी लंबा शब्द है तो इसको हम तीन शब्दों इसमें समाये हुए है पति मिलन और उत्सुक। तो हम पहला जो हमारा जो शब्द इसके अंदर है वो आएगा उसका पति, तो पति मिलन सुख मिलन सुख के अंदर पहला आएगा पति बाद में होगा प्लस दूसरा शब्द आएगा हमारा मिलन, मिलन के बाद प्लस और उसका जो लास्ट शब्द आएगा उत्सुक यानी पति प्लस मिलन प्लस उत्सुक। तो यहाँ पर एक शब्द था उसमें तीन शब्द डिसॉल्व करके हमने बनाया, तो आप थोड़ी कोशिश करोगे थोड़ा पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जेठी माए मोटी रेशमी उधड़ी पर आ अर्ची मोटा अक्षरों में सांगोपांग छापी ने तैयार करी। मित्रों
ये जो सेंटेंस है उसमें से कौन सा वर्ड ले सकते हैं? तो उसमें ऐसे आएगा सांगोपांग। सांगोपांग का मतलब है कि पूरे पूर्व, मतलब इसमें समझा कि जेठी माए पोतानी जे रेशमी ओढ़नी हती एनी अर्जी मा मोटा अक्षर है पूरे पूर्व छपायु। अभी इसका हम सांगोपांग है उसका संधि डिजोल्व कैसे करेंगे? तो देखो उसके अंदर पूरा पूर्व पूरा अंग यानी उसके अंदर आएगा स प्लस अंग प्लस उप प्लस अंग यानी पूरे पूर्व स अंग उप अंग पूरे पूरी कोई पण वस्तु छोड़वामां आवी नहीं, कोई पण चीज छूटी हुई नहीं है, अर्जी के अंदर पूरे पूरी चीज आई। मतलब सांगोपांग का होता है स प्लस अंग प्लस उप प्लस अंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आकाश में पूर्णेंदु प्रकाश्यो होय। मित्रों ये सेंटेंस में से हम कौन सा शब्द लेंगे? तो हम लेंगे पूर्णेंदु। पूर्णेंदु को हम कैसे विजुअल कर सकते हैं? पूर्ण प्लस इंदु। यहाँ पर देखो जो फर्स्ट वर्ड है उसका लास्ट जो है और सेकेंड वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो दोनों लेटर में हमारे जो भी प्रोनाउंसेस थे वो चेंज हो गए। पूर्णेंदु यहाँ हुआ पूर्ण प्लस इंदु। आगे देखिए सौ एक मेकनी समय चिंतातुर नयने जुए छे। तो ये सेंटेंस में आएगा चिंतातुर, बराबर है। तो ये चिंतातुर जो शब्द है उसको हम संधि डिजोल्व कैसे करेंगे? यानी आपने संधि के जो छुट्टी पाड़ीशु तो इसमें आएगा चिंता प्लस आतुर। तो यहाँ दोनों देखो फर्स्ट वर्ड में लास्ट लेटर और सेकेंड जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर। तो यहाँ चिंतातुर तो चिंता तुर तो चिंता प्लस आतुर। ओके आगे का सेंटेंस है जेठी बाईनी कुनेहनो किस्सो। भारतना इतिहासमा सुवर्णाक्षरे अंकित रहेशे। मतलब लिखा जाएगा कि उन्होंने इतना अच्छा इतिहास में बहुत बढ़िया काम किया। तो ये जो सेंटेंस है उसमें से कौन सा वर्ड हम ले सकते हैं? सुवर्णाक्षर। सुवर्णाक्षर का संधि अगर हम डिजोल्व करते हैं तो कैसे होगा? सुवर्ण प्लस अक्षर। तो ये दोनों के अंदर ऐसे दो शब्द आए हैं सुवर्ण यानी गोल्ड और अक्षर यानी राइटिंग, मतलब सोने से सा राइटिंग अक्षर लिखकर उन्होंने अपना नाम इतिहास में अंकित किया। आगे का हमारा सेंटेंस है आ बन्ने अधिकारियों ए घनी सहानुभूति थी जेठी बाई ने मुलाकात आपी। तो इसके अंदर है वर्ड वो सहानुभूति है और हम उसका अगर डिसॉल्व करते हैं संधि तो सह प्लस अनुभूति। ओके आगे का सेंटेंस है आ वक्त जेठी माँ एक वीरांगना बनेंगे। तो ये जो सेंटेंस है उसमें से कौन सा वर्ड निकलेगा? वीरांगना। और इसका जो हम संधि डिसॉल्व करते हैं तो इसमें आएगा वीर प्लस अंगना, मतलब वीर के जैसा अंग वीरांगना। एक लेडी होके एक जेंट्स की तरह लड़ती है तो उसको वीरांगना कहा जाता है और इसकी हमने सिंधी डिजोल्व की तो उसका आया वीर प्लस अंगना। मित्रों हमने संधि में देखा कि संधि डिजोल्व कैसे होती है, अभी वही संधि डिजोल्व है तो उसको हमें ज्वाइन करनी है। तो यहाँ क्या है? छूटा पड़े शब्द यानी संधि जोड़ी छु, मतलब जो शब्द की हमने संधि छोड़ के रखी है डिसॉल्व करके रखी है उसको हम ज्वाइंट कैसे करेंगे? तो यहाँ काफी ऐसे वर्ड्स दिए हैं और वर्ड्स के नीचे उसका आंसर दिया है। उसमें फर्स्ट है सत प्लस नारी तो उसका होगा सन्नारी, बराबर। मित्रों इसमें ध्यान रखना कि त यहाँ पर खोड़ा है, त खोड़ा यानी उसकी जो डंडी नीचे आपको दिख रही है तो यहाँ पर खोड़ा बोलते हैं, मतलब उसके साथ त के साथ अ ज्वाइंट नहीं है ओनली त है, समझ में आ गया? तो सत प्लस नारी तो त खोड़ा रहता है तो उसका न हो जाए तो यहाँ होगा सन्नारी। नेक्स्ट है
वाक प्लस बाण, देखो सेम उसके जैसा ही है, क खोड़ा, इधर उसका आंसर आएगा वाक बाण, क का हो गया ग और बाण का बाण ही रहा। आगे का हमारा वर्ड है निह प्लस विवाद, तो उसका हो जाएगा निर्विवाद। पीछे का जो शब्द है वैसा का वैसा ही है, बट यहाँ पर जो साइन की वजह से वो यहाँ पर कुछ उच्चारण चेंज आते हैं, निहि का हो गया निर्वी और विवाद तो ऑलरेडी है। आगे का शब्द है हमारा दिक प्लस अंत, इसका आंसर होगा दिगंत, तो क का हो गया यहाँ पर ग। देखो वाक बाण के अंदर भी क का ग हो गया था और यहाँ हो गया दि क का ग हो गया और अंत तो ऑलरेडी है तो ग अंत नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पर आएगा दिगंत और एक है साड़ा प्लस उपयोगी, तो यहाँ हो जाएगा साड़ो पयोगी, मतलब स्कूल के लिए जो यूज होता है वो। तो यहाँ पर रा है, रा यानी कि अ प्लस उ हो गया ओ, पहले हमने देखा था उसका उल्टा, तो यहाँ हो गया साड़ो पयोगी। मित्रों ये थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा अच्छी तरह पढ़ना, तब उसको समझ सकते हैं। मित्रों और थोड़े उदाहरण यहाँ पर हमने लिए हैं कि जो शब्द है तो शब्द के अंदर संधि अभी हम लोग पहले जोड़ते थे वैसे वापस जोड़ेंगे, कि तथा प्लस एव, इसका हो गया तथैव, विह वि प्लस अग्र, तो इसका हो गया व्यग्र, यहाँ अनु प्लस एसना, इसका हो गया अन्वेषणा, इधर है परि प्लस आवरण, इसका हुआ पर्यावरण, और जीर्ण प्लस उद्धार, उसका हो गया जीर्णोद्धार। देखो फर्स्ट के अंदर तथा प्लस एव है, तो यहाँ तथा का त हुआ अ प्लस ए इज इक्वल टू ऐ, तो थ के साथ दो मात्रा होने के बाद उसका हो गया तथैव। यहाँ वी प्लस अ है अग्र, सॉरी वी प्लस अग्र है, तो यहाँ पर वी प्लस अ का हो गया व्य, व्यग्र, तो ये हम अगर उसको, मैंने पहले बोला ना संधि बोलवाना सब्जेक्ट है, मतलब बोलने का सब्जेक्ट है, तो यहाँ व्य यानी कि व्यग्र, अनु प्लस एसना, तो उसका हो गया अन्वेषणा, आधा न व के साइड ज्वाइन होके अन्वेषणा मात्रा उसकी लग गई। परि प्लस आवरण यानी पर्यावरण, पर्यावरण यानी हमारा एटमोस्फियर, और जीर्ण प्लस उद्धार यानी जीर्णोद्धार, जिसे भी काम में छोटा कार्य करके उसको धीरे धीरे उसका उद्धार किया जाता है छोटे छोटे कामों से, तो इसको जीर्णोद्धार बोलते हैं। ये भी थोड़ी ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मित्रों यहाँ पर मैंने आपको कुछ स्वाध्याय दिया है, तो ये स्वाध्याय आपने आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है, जैसे कृष्ण अर्जुन, कृष्ण प्लस अर्जुन, देशाभिमान, देश प्लस अभिमान, लक्षाधिपति, लक्ष प्लस अधिपति, स्वार्थ, स्व प्लस अर्थ, गजानन, गज प्लस आनंद, दुग्धालय, दुग्ध प्लस आलय, नित्यानंद, नित्य प्लस आनंद, प्रेतात्मा, प्रेत प्लस आत्मा। तो आप इसको देखोगे तो आप इसे आप अपनी नोटबुक में लिख के आप अच्छी तरह उसको रीड करोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ सकती है। आगे देखोगे तो यहाँ पर दिया है काफी शब्द है, गुणाधीश, गुण प्लस अधीश, रामायण, राम प्लस अयन, शिल्पानुकूल, शिल्प प्लस अनुकूल, उपाहार, उप प्लस आहार, गोड़ाकार, गोड़ प्लस आकार, देवालय, देव प्लस आलय, परमात्मा, परम प्लस आत्मा, प्रेमानंद, प्रेम प्लस आनंद। आगे थोड़े और शब्द दिए हैं, उसमें दिया गया है देखो न्यायाधीश, न्याय प्लस अधीश, रामावतार, राम प्लस अवतार, श्वेतांबर, श्वेत प्लस अंबर, कार्यालय, कार्य प्लस आलय, जीवात्मा, जीव प्लस आत्मा, नास्तिक, न प्लस आस्तिक, प्रारंभ, प्र प्लस
आरंभ, मांसाहार, मांस प्लस आहार। मित्रों आप इसको भी थोड़ा पढ़ने के लिए कोशिश करोगे तो अच्छी तरह आप इसको भी समझ सके। काफी ऐसे वर्ड से जो आपके एग्जाम में काफी आपको ज्यादा काम लगेगा, हेल्पफुल होंगे। यहां पर भी पांच आपको जो शब्द दिए हैं, कोई कोई शब्द भले रिपीट होता है बट आपने उसको आपके नोटबुक में लिख के उसको ज्यादा से ज्यादा लिखने और पढ़ने की कोशिश करनी है ताकि आपकी प्रोनाउंसिस अच्छी तरह आप कर सकते हो। और ऐसे काफी होमवर्क मैंने आपको ये होमवर्क के जरिए ही है आपकी नोटबुक में आपको रीराइट करना है और अच्छी तरह हैंडराइटिंग भी निकालनी है। तो आगे हम ऐसे काफी वर्ड्स हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ और फाई है जिसमें एक दो रिपीट हो रहा है और दूसरा है वो भी पांच है। तो यहाँ से आप ये सारे जो वर्ड्स है वो आपको रीड करने ही होंगे और लिखने रहेंगे ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ सकते हो। यहाँ और दस शब्द दिए हैं, पहले शब्द है बाद में आपको उसकी संधि डिसॉल्व करके दी गई है, तो ये भी आपने अपनी नोटबुक में अच्छी तरह लिखना है। यहाँ पर आपको काफी शब्द दिए गए हैं, वो शब्द भी आपने अच्छी तरह रीड करना है। रीड करने के बाद आपके नोटबुक के अंदर लिखना है और उसका आपने मुहावरा बारंबार करना है ताकि आप उसको अच्छी तरह रीड कर पाओगे। और चाहो तो आप उसको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम ऐसे मुहावरे में से लिख सकते हो ताकि आपकी हैंडराइटिंग तो ठीक होगी सोगी, साथ में इसका भी आपको मुहावरा होगा लिखने का, तो आपको एक्सपीरियंस के जरिए आप इसको अच्छी तरह कर सकते हो। आगे और ये जो वर्ड्स और उसको डिजॉल्व करके जो दिया गया है उसका भी आप अच्छी तरह रीड करोगे और लिखोगे। यहाँ पर काफी ऐसे शब्द है जो आपको आगे मैंने समझाए हैं कि कैसे कैसे उसको डिजॉल्व करना था, कैसे उसको ज्वाइन करना था, तो ये सारी चीजें आप आगे समझ चुके हो, इसलिए आपको ये मैंने एज पर होमवर्क, तो आप जितना लिखोगे उतना आपको मुहावरा अच्छा होगा तो आप इसको अच्छी तरह याद कर सकते हो। यहाँ पर और मैंने आपको 14 वर्ड्स दिए हैं जो पहले वर्ड्स है बाद में उसको डिसॉल्व करके रखा हुआ है, तो ये सारी चीजें आपने नोटबुक के अंदर कंप्लीट करनी है। ये 10 और शब्द है वो भी आपने उसका रीड करके उसको लिखना है। पहले दो शब्द जो है उसका मैंने पहले डिजॉल्व किया था फिर उसको ज्वाइन किया दो शब्द का, बाकी के जो तीन शब्द है उसमें पहले शब्द है बाद में उसको डिजॉल्व किया है, तो दोनों आपको यहाँ पर मुहावरे हो सकते हैं। तो यानी डिजॉल्व किया हुआ है तब उसको डिजॉल्व करके ज्वाइन करो, ज्वाइन करके डिजॉल्व करो, ये दोनों तरीके से आपको लिखना आ जाएगा तो आप अच्छी तरह उसको समझ सकते। और हमारे थोड़े 10 शब्द है वो शब्दों को हमने डिसॉल्व करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो मित्रों ये जो पूरा संधि का डिसॉल्व करना, ज्वाइन करना वो सारा आपको जो दिया है वो आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करोगे। ग्रामर में आगे है समास। मित्रों समास कोने के भाई, समास एटले शू, तो स्वतंत्र रीते वपराता बे के
તેથી વધુ પદો એકબીજા સાથે જોડાઈને નવો અર્થપૂર્ણ શબ્દ બને તેને સમાસ કહેવાય. જો ફરી સ્વતંત્ર રીતે વપરાતા બે કે તેથી વધુ પદો એકબીજા સાથે જોડાઈને નવો અર્થપૂર્ણ શબ્દ બને તેને સમાસ કહેવાય. હવે આગળ જોઈએ કે સમાસના પ્રકાર. તો સમાસના આપણા સિલેબસ પ્રમાણે ચાર પ્રકાર છે. એક દ્વંદ્વ સમાસ, તત્પુરુષ સમાસ, મધ્યમ પદલોપી સમાસ અને દ્વિગુ સમાસ. તો મિત્રો આ ચાર પ્રકારના સમાસ આપણે જોવાના છે. समास में सबसे पहले हम द्वंद्व समास के बारे में जानेंगे. तो मित्रों द्वंद्व समास क्या है? जारे समान व्याकरणी मोभो धरावता बे पद जोड़ाई अने तेनो अने के अथवा थी विग्रह थाय तेने द्वंद्व समास कहे छे. तो मित्रों यहाँ पर जो दो पद है वो जुड़े हुए हैं और अगर उसको डिसॉल्व करने के लिए अने के अथवा थी उसको मतलब विग्रह कर सकते हैं तो उसको द्वंद्व समास कहा जाता है. बट इसके अंदर क्या उसके दोनों पद है ना वो सेम वैल्यू के है. देखो क्यों कि आ समास में सर्वपद प्रधान होय छे. मतलब जितने भी दोनों पद है वो दोनों पद सर्वपद यानी सारे पद. तो दोनों पद प्रधान प्रधान यानी मुख्य होते हैं. तो हम एक उदाहरण के तौर पर एक शब्द लेते हैं वो है राम लक्ष्मण. तो आप बोलोगे कि भाई हम राम लक्ष्मण है. हाँ इसमें दो पद है, एक है राम दूसरा लक्ष्मण. ये दोनों पद ज्वाइंट है राम लक्ष्मण. तो हम अगर उसको डिसॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि सही में ये दोनों प्रधान पद है. तो देखो पहले कि राम अने लक्ष्मण, ये राम लक्ष्मण को अगर डिसोल्व करते हैं तो राम अने लक्ष्मण ते द्वंद्व समास हो गया, अने से डिसोल्व किया. आगे हम अगर देखते हैं भाई कैसे उसको हम कंप्लीट करेंगे कभी राम, तो यहाँ पर हम एक उसके बदले में लिख सकते हैं कि राम राजा दशरथ ना पुत्र हता. बराबर है. आगे अगर देखेंगे दूसरा उसका जो पद है लक्ष्मण, तो लक्ष्मण के बारे में अगर हम देखते हैं तो लक्ष्मण राजा दशरथ का पुत्र था. तो यहाँ पर क्या है कि दशरथ राजा का पुत्र राम भी था, दशरथ राजा का पुत्र लक्ष्मण भी था. तो यहाँ पर वाक्य लिखते हैं राम राजा दशरथ ना पुत्र हता, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा हम सेंटेंस तो लिख ही सकते हैं. दूसरा देखेंगे लक्ष्मण, लक्ष्मण राजा दशरथ ना पुत्र हता, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. तो मित्रों यहाँ पर दोनों पदों से अगर हम अलग अलग वाक्य बनाए और वो वाक्य बराबर हो, वो उसकी जो व्यक्तित्व मतलब उसका जो वाक्य है वो वाक्य अगर सही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम उसे प्रधान पद बोल सकते हैं. तो यहाँ राम जो पद है वो भी प्रधान पद है और लक्ष्मण है वो भी प्रधान पद है. तो जो दो पद अगर सेम, इसलिए बोला गया है कि व्याकरणी मोभो यानी कि सेम वैल्यू है तो उसको हम द्वंद्व समास कह सकते हैं. कितना वाक्य द्वारा द्वंद्व समास ने समझवानो प्रयत्न करिए. फर्स्ट सेंटेंस है गामने जाने लांबो टूको इतिहास नथी. तो इसमें कौन सा आएगा लांबो टूको, इसको अगर हम डिसोल्व करेंगे तो कैसा होगा लांबो के टूको, मतलब ज्यादा लंबा इतिहास नहीं है या ज्यादा शॉर्ट भी इतिहास नहीं है. दूसरा देखें दीने दुखियाना आंसू लोता अंतर कभी न धरासो. तो इसमें आएगा दीन दुखिया, अभी इसको कैसे डिसोल्व हो सकता है कि दीन के दुखिया. तो मित्रों ये आप एक बार रीड करो और अच्छी तरह समझने की कोशिश करो. आगे देखिए जे बाड़क निराधार होय
તેના માલ મિલકત જપ્ત કરવામાં આવે. ઇસ વાક્ય મેં હૈ માલ મિલકત, તો ઉસકો અગર ડિજોલ્વ કરેંગે તો ક્યા હોગા, માલ અને મિલકત દોનો કી વેલ્યુ સેમ હૈ. આગે દેખીએ, કાંજીના સગા સંબંધીમાં જુઓ તો એકનો એક પુત્ર પમો. યહાં પર આયેગા સગા સંબંધી. સગા સંબંધી મેં કેસે હોગા, સગા કે સંબંધી. સગા યાની અપને કુછ ફેમિલી વાલે, કુછ ક્લોઝ રિલેશન, ઓર સંબંધી યાને રિલેટિવ્સ જો શાયદ દૂર કે ભી હો સકતે હૈ, તો એસે હમ ઇસકો રિઝોલ્વ કર સકતે હૈ. આગે હૈ, ગિટીમાં કાળા કાયદા વિશે રાત દિવસ વિચારવા લાગી. તો ઇસમેં રાત દિવસ રહેગા, ઓર ઇસમેં આયેગા રાત અને દિવસ. તો રાત ઓર દિવસ દોનો એક જૈસે, યે વેલ્યુ એક હી હૈ, તો ઇસકે લિયે ઉસકા રાત અને દિવસ સેમ આ ગયા. आगे है तत्पुरुष समास. जे समास नो पूर्व पद उत्तर पद साथे विभक्ति थी जोड़ायेलू होय तेने तत्पुरुष कहेवाय छे. देखो आपस, जे समास नो पूर्व पद उत्तर पद साथे विभक्ति थी जोड़ायेलू होय तेने तत्पुरुष समास कहेवाय छे. अने आ समास मा एक પદ પ્રધાન હોય છે. એ, ને, થી, માટે, વડે, માં વગેરે પ્રત્યયથી વિગ્રહ થાય છે. મતલબ ઇસકે અંદર એ, ને, થી, માટે, વડે એ અલગ અલગ જો પ્રત્યય લગાતે હૈ તો ઉસે વિગ્રહ કિયા જાતા હૈ. ઓર યે જો સમાસ એક પ્રધાન પદ સમાસ હૈ, યાની આ સમાસમાં પૂર્વ પદ ગૌણ અને ઉત્તર પદ મુખ્ય હોય છે. मित्रों, पूर्व पद का मतलब है प्रथम पद, और उत्तर पद यानी उसके बाद का जो पद रहता है. तो पूर्व पद जो होता है वो गौण यानी कोई भी आ सकता है, पर जो उत्तर पद है वो मुख्य रहता है. जैसे यहाँ दिया गया है कन्या पक्ष, तो कन्या और पक्ष ये दो पद से बना एक शब्द है. तो कन्या इसके अंदर पूर्व पद है जो गौण पद बोला जाएगा, और जो पक्ष है वो उत्तर पद यानी नेक्स्ट सेकंड उसके बाद का जो पद है पर उसको वो मुख्य पद बोला जाएगा. तो हम उसको कैसे डिजोल्व करेंगे, वे कन्यानो पक्ष. पक्ष जो है वो मुख्य है, यहाँ कन्या की जगह वर्णो पक्ष है, महिलानो पक्ष, पुरुषनो पक्ष, तो कुछ भी आ सकता है. मतलब वो गौण है, उसको कुछ भी तरीके से यूज किया जा सकता है. तो पक्ष जो है वो उत्तर पद है, वो मुख्य है. आ समासमां उत्तर पद अने पूर्व पद वच्चे विभक्ति संबंध होय छे. कन्या पक्ष, तो समासमां उत्तर पद अने पूर्व पद वच्चे विभक्ति, मतलब कन्या और पक्ष विभक्ति, कन्या नो पक्ष, तो जो यहाँ पर विभक्ति नो प्रत्यय लगा के उसको डिजोल्व किया था. वैसे केटलाक वाक्यों द्वारा तत्पुरुष संबंध ने समझवानो प्रयत्न करिए. कुटुंब माया केम छोड़ा से, कुटुंब नु केम कल्याण थसे. वापस देखो, कुटुंब माया केम छोड़ाए, कुटुंब नु केम थासे, तो इसमें आएगा कुटुंब माया, और उसको डिजोल्व करेंगे तो उसका आएगा कुटुंबनी माया, मतलब जो माया है वो कुटुंब की माया है. आगे देखिए, सौ एक मेघनी सामे चिंता दूर नयने जुए छे, इसमें आएगा चिंता दूर, तो इसको हम कैसे रिजल्ट करेंगे, चिंता थी आतुर. आगे है, वर पक्ष ने स्त्रियों ये गीत उपाड़ियू, तो वर पक्ष इसको रिजल्ट आएगा वर्णो પક્ષ. વ્યવહાર ડાહ્યા લોકો આ ગરીબ માણસની આવી ધૂનને ગાનપણમાં ખપાવે છે. તો વ્યવહાર ડાહ્યા ઉસકા હોગા વ્યવહારમાં ડાહ્યા. લગ્ન વિધિ પૂર્ણ થતા જેઠીમાએ ઝડપથી પમાનું ઘર મંડાવ્યું, તો ઇસમાં આવેગા લગ્ન વિધિ, ઓર ઇસમાં રહેગા લગ્ન માટેની વિધિ. આગે હૈ,
मध्यम पद लोपी समास। मध्यम पद लोपी समास हम कैसे समझेंगे कि योग्य अर्थ गठन मेळवा माटे जारे कोई शब्द के पद उमेरवामां आवे एटले के समासनी रचना करवा वच्चेना पदनो लोप करवो पड़े त्यारे ती मध्यम पद लोपी समास बने छे। अर्थ गठन यानी उसका योग्य अर्थ होना चाहिए। जो भी वाक्य हम लिखते हैं वो अर्थ व्यवहार होना चाहिए। हम कुछ भी लिखेंगे और कुछ उसका अर्थ गठन सही नहीं होगा तो वो योग्य नहीं है। तो योग्य करने के लिए इसमें क्या है कि उसकी रचना करने के लिए इसमें जो मध्यम पद आता है, मध्यम पद यानी उसके बीच का जो पद रहता है हमें उसको लोप करना होता है। इसलिए मध्यम पद यानी मीडियम जो पद होता है लोप करना यानी हाइड करना, तो उसे इससे मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। देखिए टपाल पेटी, उदाहरण के तौर पे हमने टपाल पेटी लिखा है, तो टपाल पेटी में हम उसको कैसे लिखेंगे कि टपाल नाखवा माटेनी पेटी, जो पेटी होती है जिसमें हम टपाल डालते हैं, तो इधर लिखा था टपाल पेटी। तो इसको क्या शॉर्ट में बोलने के लिए टपाल पेटी, अभी कोई जाता है कि भाई टपाल पेटी में लेटर डाल के आओ तो बोलेंगे टपाल नाखवानी पेटी में लेटर नाखी ने आओजो। मतलब इसमें क्या हो गया कि टपाल पेटी जो टपाल डालते हैं उसी पेटी के अंदर, तो ये लंबा चौड़ा बोलने की जगह हम शॉर्ट में अगर उसको बोलते हैं और उसका अर्थ गठन भी सही होता है। टपाल पेटी यानी टपाल डालने की जो पेटी रहती है, जो बॉक्स रहता है बॉक्स, वो वैसे ही उसको समझाया जाता है। ज्यादा समझने के लिए यहाँ पर काफी शब्द दिए है, तो केटलाक शब्दों द्वारा मध्यम पद लोपी समास ने समझवानो प्रयत्न करिए। मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड दिए गए हैं कि सबसे पहले है कि भी कल्पवृक्ष, तो कल्पवृक्ष कल्पना इच्छा मुजबनु आपनार वृक्ष, हम जैसे कल्पना करते हैं ऐसा अगर कुछ देने वाला कोई वृक्ष है तो उसको लॉन्ग फॉर्म बोलने की जरूरत नहीं है, खाली कल्पवृक्ष यानी कि कल्पना या अपनी इच्छा मुजब या कल्पना के मुजब हमें कुछ चाहिए और वो दे देता है वैसा वृक्ष यानी कल्पवृक्ष। आगे हम देखेंगे आवक वेरो, तो आवक वेरो मतलब आवक अनुसार भरवो पड़तो वेरो, अभी इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, फक्त आवक वेरो मतलब इनकम टैक्स, आवक यानी इनकम और उसके अनुसार हम जो भरते हैं टैक्स वो, तो इतना लंबा चौड़ा ना बोलकर आवक वेरो इनकम टैक्स हम बोल सकते हैं। आगे है सिंहासन, तो सिंह आकार नो आसन यानी बैठक, तो सिंह का जो आकार रहता है उसके जैसा अगर आसन बना है, उसके ऐसी बैठक बनाई है तो उसको सिंहासन बोला जाता है। हाथ रुमाल, हाथ में राखवानो रुमाल, और हम उसको एकदम शॉर्ट में बोले तो हम उसको हैंकरचीफ को कैसे हैंकी बोलते हैं, वैसे हाथ रुमाल, हाथ में राखवानो रुमाल उसको शॉर्ट में बोलेंगे तो हाथ रुमाल, उसका मीनिंग तो वही रहा, उसका अर्थगठन कुछ हुआ नहीं है। धारा सभा, धारा यानी कायदा घड़वा माटेनी सभा, कोई नक्की करना है कोई क्या करना है, कुछ कायदा बाहर पड़ना है, तो ये जो नक्की करना है तो ये धारा सभा में नक्की होगा, तो धारो अथवा तो कायदो मतलब जो घड़ना है बनाना है या उसको कहीं और उसको लागू लगाना है, लागू करना है, तो इसे हम धारा या के कायदो घड़वानी सभा, एक सभा होती है वहां पर ये बोला जाता है, तो मतलब धारा सभा, धारा कायदा घड़वा माटे नी सभा, तो इसको धारा सभा होता है। કેટલાક વાક્યો દ્વારા મધ્યમ પદલોપી સમાસને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। એમની પાછળ સુહાગણો વિદાય ગીતો ગાતી, તો ઇસમે આયેગા વિદાય ગીત, ઓર ઉસકો હમ કેસે લિખ સકતે હૈ, વિદાય આપતી વિરાયે ગવાતું ગીત। ધીરજ કાકાએ મગન્યાના નામની મરણ પોક મૂકી, ઇસમે આયેગા મરણ પોક, ઓર હમ ઉસકો કેસે લિખ સકતે હૈ, કોઈના મરણ પછી તેના સગા સંબંધી દ્વારા માટે મોટેથી રડીને મુકાતી પો, તો એ મરણ પો કિસકો બોલા જાતા હૈ। વર્ગીસે શિષ્યવૃત્તિ મેળવી અભ્યાસ કરવા અમેરિકા જવાનું નક્કી કર્યું, તો અહીંયા આયેગા શિષ્યવૃત્તિ, ઓર શિષ્યવૃત્તિ કો હમ કેસે કર સકતે હૈ કે શિષ્યને અભ્યાસ માટે મળતી વૃત્તિ યાને શિષ્યવૃત્તિ સ્કોલરશિપ।
आगे देखो, थोड़ी वारे हस्तघड़ी सामे जोई डॉक्टर उभा थाई छे, यानी यहाँ पर आएगा हस्तघड़ी और हस्तघड़ी का आएगा हस्त यानी हाथ, हस्त या हाथ पर पहराती घड़ी। आ ताम्रपत्र घना मान अने दबदबा साथे जेठीवाई ने अर्पण करियो। ताम्रपत्र, तो ताम्रपत्र में कैसे करेंगे कि ताम्र पर लखाइल पत्र यानी कॉपर के ऊपर लिखा हुआ पत्र, तो उसको ताम्रपत्र बोला जाता है। मित्रों हमारा लास्ट है द्विगु समास। द्विगु समास एकदम इजी समास से समझने के लिए कि पहलू पद संख्यावाचक विशेषण होय त्यारे ते द्विगु समास बने छे। बराबर, देखो पहलू पद संख्यावाचक विशेषण होय त्यारे ते द्विगु समास बने छे। नव रात्रि, देखो यहाँ पर जो पहलू पद यानी के उसका जो फर्स्ट पद है, फर्स्ट ले वर्ड है वो नव, नव यानी नाइन, नाइन यानी कोई संख्यावाचक, वो डिजिट में लिया जाता है, और रात्रि तो रात्रि है, तो यहाँ पर कैसे कहेंगे कि नव रात्रिनो समूह। क्लियर, तो यहाँ पर जो नवरात्रि का उल्लेख किया गया है तो आपके सामने एक नवरात्रि का फोटो भी मैंने समझाया है। कितलाक शब्दों द्वारा द्विगु समास ने समझवानो प्रयत्न करिए। पंचामृत, बराबर, पंचामृत का मतलब क्या है? दूध घी दही आदि पांच अमृत नो समूह, यानी जो पंचामृत लिया जाता है, पांच प्रकार के जो आदि अलग अलग चीजें रखी जाती है और हम उसको कथा वगैरह में देते हैं, सत्यनारायण की कथा है वैसे में पंचामृत अगर देते तो इसे हम पंचामृत कहेंगे। तो पंचा यानी पांच, पांच तत्व ऐसे है जो इसको इकट्ठा किया जाता है, पांच समा जो अमृत रहता है वो इकट्ठा करते हो, तो यहाँ पर लिखा गया है घी दूध दही ऐसे पांच अमृत का समूह यानी पंचामृत। आगे देखोगे षटकोण, षटकोण का मतलब है सिक्स एंगल का समूह, छ कोणों समूह, तो ये आपको देख सकते हैं कि छ कोणों समूह आपके सामने दिया गया है। आगे देखो सप्ताह यानी सात दिवस नो समूह, यानी संडे से लेके मंडे जो हमारे सेवन डेज आते हैं, तो सप्ताह यहाँ पर सप्ताह सात जो है सप्त यानी वो डिजिट है, संख्या में हम उसको बोल सकते हैं। त्रिभुवन त्रण भुवन समूह यानी तीन जो भुवन, भुवन यानी घर रहने के लिए जो होता है, तो ऐसे तीन तीन घरों का जो समूह रहता है उसको बोला जाता है त्रिभुवन, त्रिभु त्रण त्रि, त्रि यानी थ्री। आगे है पंचवटी पांच वर्णों समूह, इसका मतलब है जो पांच बनियान ट्री, फाइव बनियान ट्री इकट्ठा होते हैं उसका समूह जो होता है उसको बोलते हैं पंचवटी। मित्रों यहाँ पर हमारा जो समास का जो सेशन था और वो सब कंप्लीट हुआ है, तो आपने इसको अच्छी तरह समझना है। ओके, थैंक यू।